22 जनवरी साल 2024 का ये दिन पूरे भारत के लिए एक ऐसा दिन है जिसको आने वाली पीढ़ियां कभी भी भूल नहीं सकती हैं, क्योंकि इसी दिन ही हमारे प्रभु श्री राम लगभग 500 साल के एक और वनवास को काटकर अपने ही भव्य महल में एक बार फिर से प्रवेश कर गए हैं। इसीलिए 22 जनवरी का ये दिन सभी सनातनियों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या आपने प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान प्रभु श्री राम के उस मूर्ति को देखा है? क्योंकि उस मूर्ति की जो कलाकृति की गई है उसमें प्रभु श्री राम के अलग अलग अवतारों का भी चित्रण किया गया है। उसी कलाकृति में प्रभु श्री राम की एक और कलाकृति को दिखाया गया है, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो अवतार किसी और का नहीं, भगवान विष्णु का यानी प्रभु श्री राम का ही आने वाला यानी भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार का चित्रण है। तो आखिर कैसा होगा प्रभु श्री राम यानी भगवान विष्णु का कल्कि अवतार, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे सभी पुराणों में, चाहे वो भागवत पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, विष्णु पुराण हो या फिर भविष्य पुराण हो, इन सभी में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के होने की बातें कही गई हैं। यानी श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक लिखा गया है भगवान कल्कि के ऊपर, जिसका मतलब ये होता है कि आने वाले भविष्य में यानी कलयुग का जब अंत हो रहा होगा, तब हमारे आराध्य भगवान विष्णु का संबल गाँव में एक ब्राह्मण के घर में कल्कि अवतार होगा। लेकिन बहुत से लोगों के द्वारा ऐसा भी पूछा जाता है कि आखिर ये कल्कि अवतार कब होगा? क्या ये कल्कि अवतार कलयुग के अंतिम चरण में ही होगा, या फिर ये कल्कि अवतार 2025 में हो जाएगा या 2026 में होगा? तो इस प्रकार की भी बहुत सी जानकारियां अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई हैं। लेकिन अगर हम पुराणों के अनुसार बात करें कि क्या कल्कि भगवान का अवतार 2025 में या 2026 में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होगा, इसको चलिए आपको हम समझाते हैं। तो देखिए, जो इस समय करंट युग चल रहा है उसे हम सभी जानते हैं, उसका नाम है कलयुग। इसी तरीके से तीन और युग थे जिनका नाम था सतयुग, जिसमें भगवान शिव के अनेक अवतार हुए हैं, वहीं भगवान विष्णु के भी अनेकों अवतार हुए हैं। फिर आता है त्रेता युग, जो पूरा युग प्रभु श्री राम के अवतार के नाम से जाना जाता है। फिर आता है तीसरा युग, जिसे हम द्वापर कहते हैं, उसमें भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होता है। और ठीक इसी तरीके से इस समय जो कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होने वाला है। लेकिन हमारे पुराणों में ये बताया गया है कि ये भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए यानी लास्ट के 9वें अवतार कल्कि अवतार को अगर छोड़ दें, तो बाकी के जितने भी अवतार हैं वो हर एक युग के अंतिम चरण में हुए हैं। ठीक इसी तरीके से कलयुग के अंतिम चरण में ही भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे वेदों में कलयुग की जो आयु बताई गई है वो लगभग 4,32,000 वर्ष बताई गई है। और कलयुग की शुरुआत मानी जाती है तब से हुई जब भगवान कृष्ण ने अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया था, और तब से लेकर अब तक ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के लगभग 5,124 वर्ष बीत गए हैं। इस हिसाब से लगभग 4,28,900 वर्ष बचते हैं, जिसका मतलब होता है कि इतनी आयु अभी कलयुग की शेष बची हुई है। और कलयुग को 4 चरणों में डिवाइड किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक चरण लगभग 1,08,000 वर्ष का होता है। तो इस तरीके से कलयुग की शुरुआत अभी हुए 5,000 वर्ष ही हुई है, तो आप ये सोचिए कि अभी कलयुग का तो पहला चरण ही नहीं बीता है, तो इस हिसाब से कैसे भगवान विष्णु का कल्कि अवतार हो जाएगा? तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि भगवान विष्णु का 2025, 26, 27, 28 या जितने भी वर्ष आप गिनते जाएं, उसमें नहीं होने वाला भगवान विष्णु का कल्कि अवतार। अभी उसको होने में ही लगभग लाखों साल बाकी हैं। ठीक उसी तरीके से उनके जन्म स्थान को लेकर भी विवाद है। यानी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कल्कि अवतार का जो जन्म है वो यूपी के संबल गाँव में होगा, जो कि इस समय मुरादाबाद में स्थित है। और वहाँ पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर भगवान कल्कि का मंदिर भी बना है और वहाँ पर उनकी नित्य पूजा पाठ भी होती है। ठीक इसी तरीके से राजस्थान के जयपुर में भगवान कल्कि का एक भव्य मंदिर है, वहाँ पर भी भगवान कल्कि की पूजा आराधना होती है। और हर वर्ष यानी श्रावण की शुक्ल पक्षी की षष्ठी को कल्कि जयंती भी मनाया जाता है, और ये प्रथा लगभग 300 वर्ष से चलती आ रही है। ठीक इसी तरीके से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो मथुरा का वृंदावन है वो संबल गांव हो सकता है जहां पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। फिर इसी तरीके से कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि उड़ीसा वो क्षेत्र है जिसे शास्त्रों में संबल गांव का नाम दिया गया है, जहां पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। तो ये कुछ ऐसे 4 स्थान हैं जहां पर लेके लोगों के मन में विवाद है कि यही वो संबल गांव है जहां पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। ठीक इसी तरीके से ऐसा कहा गया है कि जो उनकी सेना होगी उनके सेनापति कोई और नहीं महावीर हनुमान होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर बात करें कि आखिर कल्कि अवतार की पत्नी कौन होंगी यानी उनकी धर्म पत्नी कौन होंगी,
तो ऐसा बताया गया है कि उनकी धर्म पत्नी कोई और नहीं माता वैष्णो देवी होंगी। तो वो कैसे होंगी, चलिए अब आपको हम ये बताते हैं। तो इसकी कहानी जो शुरू होती है वो त्रेता युग से शुरू होती है, यानी ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करने के लिए और माँ सीता को उससे आजाद कराने के लिए जब लंका की ओर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक कन्या उनको तपस्या करती हुई दिखाई देती है, और तब कर रही वो कन्या जब भगवान राम को देखती हैं तो वो उनको देखते ही रह जाती हैं, और उनसे वो जाकर कहती हैं कि मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ, यानी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अब इसको सुनकर प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि हे देवी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा विवाह पहले ही सीता से हो चुका है, इसलिए मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। और जब ये बात उस कन्या ने सुनी तो उनका मन थोड़ा सा उदास हो गया। तब प्रभु श्री राम उनको देखकर कहते हैं कि आप घबराइए मत, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं आपसे अवश्य विवाह करूँगा, लेकिन तब करूँगा जब मेरा कलयुग में एक और अवतार होगा जिसे लोग कल्कि अवतार से जानेंगे। और जब वो देवी ये बात सुनती हैं तो काफी प्रसन्न हो जाती हैं। फिर भगवान राम उनसे ये कहते हैं, तब तक आपको मेरी प्रतीक्षा करने के लिए जम्मू के कटरा पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और वो देवी कोई और नहीं वैष्णो देवी ही होती हैं। और अगर आपको ये कहानी जाननी है कि किस तरीके से माता वैष्णो देवी का विवाह कल्कि अवतार से होगा तो इसके बारे में हमने और विस्तार से वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ये बात तो रही भगवान कल्कि का विवाह किसके साथ होगा, अब बात करते हैं कि भगवान कल्कि आखिर कौन से असुर से वो लड़ेंगे। तो ये असुर कोई और नहीं, ये कलयुग का कली असुर है जिससे भगवान कल्कि युद्ध करेंगे, और ये कली असुर भी अब तक का सबसे खतरनाक दानव होगा जिसका अंत कभी नहीं हो सकता है, बस उसको दबाया जा सकता है। और वो कैसे दबाएंगे, चलिए अब आपको हम ये बताते हैं। तो देखिए बात शुरू होती है यहाँ से कि आखिर ये कलयुग उत्पन्न कैसे हुआ। तो इसकी कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, यानी ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें से पहले हलाहल निकला जिसका सेवन भगवान शिव ने किया, और सेवन करते समय इसकी कुछ छींटे एक असुर पर पड़ गईं जिसका नाम कली था। तो उसका जो भौतिक शरीर था वो जल गया, तो उसकी आत्मा भगवान से ये कहने लगी कि मैं तो आपके साथ इस अमृत को उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रहा था, फिर आखिर मेरी मृत्यु कैसे हो गई। तब भगवान शिव उससे कहते हैं कि आप घबराओ मत, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो हुआ भी यही, यानी अंत में समुद्र मंथन जब हुआ तो उससे अमृत निकला, और आप सभी को पता है कि जब अमृत निकला तो सभी राक्षस उस अमृत को छीनने के लिए दौड़ पड़े। तब छीना झपटी में हुआ ये कि जो गरुण देवता थे, यानी जिन्हें भगवान विष्णु की सवारी कहा जाता है, वो तेजी से आए और उस अमृत कलश को अपने चोंच में दबाकर उड़ पड़े। अब इससे हुआ ये कि कुछ अमृत की बूंदें जो हैं वो पृथ्वी की अलग अलग जगह पे गिर गईं, जिसके कारण से हुआ ये कि वहाँ पर आज के समय में कुंभ मेला लगता है, और यही कुछ छींटे उस कली नामक असुर पर गिर गईं, जिसकी वजह से हुआ ये उसका जो भौतिक शरीर था वो 80% तो समाप्त हो गया था, लेकिन जो उसका सूक्ष्म शरीर था यानी जो उसकी नेगेटिव सोल थी वो जीवित हो चुकी। अब इससे हुआ ये कि उसको मीठा फल मिल गया, यानी उसके नाम से भगवान शिव ने एक युग का नाम रख दिया जिसे आज हम कलयुग के नाम से जानते हैं। और इस युग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये युग है तो बहुत छोटा, यानी ये लगभग 432,000 वर्ष का है, लेकिन है बड़ा दुखदायी। इसी वजह से मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, यानी ऐसा कहा गया है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा या घोर कलयुग आएगा तो जितने भी संत हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, और जब वो समाप्त हो जाएंगे तो ये चारों चीजें यानी सत्य, तप, दया और पवित्रता समाप्त हो जाएगी। और तब ऐसा कहा गया है कि जो कली नामक पुरुष है वो अपने फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो वो सूक्ष्म शरीर में है, इसीलिए वो लोगों को 5 चीजों से इम्प्रेस यानी अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे आज के समय में हम मोह, माया, लोभ, काम और क्रोध के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे इसकी स्थिति बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे ये मनुष्यों पे हावी होता जाएगा, वैसे वैसे घोर कलयुग आता जाएगा, और जब घोर कलयुग पूरा आ जाएगा तब वो फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा। फिर घमासान युद्ध होगा कल्कि और कली के बीच, और ये राक्षस इतना भयंकर होगा कि इसका अंत करना उतना आसान नहीं है बाकी के राक्षसों के मुकाबले, क्योंकि ये पूरी तरीके से मनुष्यों के मनोस्थिति को दूषित कर देगा, यानी धर्म को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा, और धर्म जब समाप्त हो जाएगा तो हर तरफ अत्याचार और अंधकार ही रहेगा। इसीलिए इससे लड़ने के लिए भगवान कल्कि को अपने कल्कि अस्त्र के साथ साथ ज्ञान अस्त्र का भी प्रयोग करना पड़ेगा। ज्ञान अस्त्र का मतलब ये है कि किस तरीके से वो उस जमाने के लोगों में
भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आस्था जागृत करेंगे, यानी उन लोगों के मन में चेतना का स्वरूप उजागर करेंगे। और जैसे जैसे वो चेतना दूषित हो चुके उस जमाने के मनुष्यों में उजागर करते जाएंगे, जो कलि पुरुष है उसका भौतिक शरीर धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा, हर तरफ सत्य और धर्म की बात होगी, फिर एक नए युग का परिवर्तन होगा जिसे हम सतयुग के नाम से जानेंगे। तो ये रही संपूर्ण जानकारी भगवान कल्कि के बारे में। अगर आपको ये जानकारी सुनकर अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।